जनपद बुलंदशहर में स्वाट टीम के प्रभारी सुधीर कुमार त्यागी वे थाना कोतवाली नगर एवं शिकारपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25,000 के दो इनामी लुटेरे बदमाशों को पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच कोतवाली नगर और शिकारपुर की संयुक्त टीमों के द्वारा दो पुरस्कार घोषित अपराधी जावेद और रईस गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित था कि दोनों कुख्यात लुटेरे हैं और कोतवाली इतिहास से गैंगस्टर एक्ट में तथा लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे थे। ये एक बड़ा अच्छा कार्य स्वाट टीम के द्वारा थाना पुलिस के सहयोग से किया गया है, जिसमें इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से क्रमशः एक एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। दोनों बदमाशों पर कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं और ये किस प्रकार लूट की वारदात को अंजाम दिया? ये दोनों अभियुक्तों के ऊपर दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से लूट और 307 IPC के अभियोग पंजीकृत हैं। ये बेसिकली तमंचे से फायर भी कर सकते थे और तमंचा दिखा करके कैश लूट करते थे। इस प्रकार की घटनाएं संयुक्तता पाई गई।